हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे और चिंटू भी बढ़िया है। और आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह से। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, आप देख सकते हैं चिंटू को भी कितना ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और तो चलिए देख दोस्तों, आज आपको मैं आज का मौसम दिखाती हूँ। मैंने काम भी कुछ नहीं किया, अभी मुझे काम ख़त्म करना है, उससे पहले आपको आज का मौसम दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, अभी दूर पहाड़ों पर धूप आई है लेकिन हमारे घर तक नहीं पहुंची है। आप देख सकते हो ये यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है, ठंड के मारे चिंटू मेरी गोद में आई हुई है। और देखो भांग सिंह वहाँ पे मर गया है शायद। भांग सिंह जिंदा है, नहीं मरा है, अभी जिंदा है। अब हमें करना है बहुत सारा काम। मैं मिलती हूँ आपको काम ख़त्म करने के बाद। चिंटू और मैं आपको काम ख़त्म करने के बाद मिलेंगे ना चिंटू। तो गाइस, मेरे सब्सक्राइबरों की कॉल आई है। आप देखिए, ये देखिए वीडियो कॉल में है, मेरी सब्सक्राइबर है और वो मेरी बहुत बड़ी फैन है। आप कुछ कहना चाह रही हैं मेरे ब्लॉग के बारे में, बोलिए। हाँ बोलो। वो मेरी बहुत बड़ी फैन है तो इसलिए मतलब वो मुझे फोन करते रहती हैं, मेरी सब्सक्राइबर है वो। चलो बात करो लो। देखो गाइज, ये है, ये देखो, ये मेरी सब्सक्राइबर है और मेरी कॉल मतलब डेली कॉल करती है ये मुझे। और एक दिन बात नहीं होगी तो इनका दिल घबरा जाता है। ये देखो। और पता है अभी ये नाराज हो गए मेरे से, कह रही है कि हम तेरे चैनल पे रिपोर्ट मार देंगे। हाँ कुछ धमकी दे रहे हैं ये, पता नहीं। कोई बात नहीं, हम इनकी खोखली धमकियों से डरते नहीं है, गीदड़ धमकी होती है इनकी, गीदड़ धमकी। ये है मम्मी है, ले अभी मम्मी से बात करेंगी। अरे तो गाइस, अब हम ले चलते हैं आपको बड़ी मम्मी के पास, जो हमारी सरसों खाने आई है। तो वो भी मेरे चैनल के बारे में कुछ कहने की इच्छुक है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बोलो, आप कुछ कहना चाहती हैं मेरे चैनल के बारे में? मुंडी हिला रही है गाइस, ये मुंडी हिला रही है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप मेरे ब्लॉग को? हाँ, कहना चाह रही हूँ। कहो फिर। कहो फिर क्या कहना है। इनको नहीं पता है गाइस, ये क्या कहना चाह रही है, कहना चाह रही है पर पता ही नहीं है इनको क्या कहना है करके। अब शायद ये कंफर्टेबल हो गए हैं, अब कुछ कहेंगे मेरे चैनल के बारे में बताइए। कुछ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, इतना ही बोल दो। देखो गाइस, शर्मा रही है, अभी नई नई है ना इसलिए शर्मा रही है। अभी मैं बाद में इनको कैमरे में लाऊंगी, अभी इनको शर्म आ रही है। और मेरी मम्मी अपनी भीना से बात कर रही है, देखते हैं क्या क्या डिमांड कर रही है अपने जीजाजी से। मीनू जय सीताला जाली, मतलब जनवरी ले आली सामान, जनवरी सामान हम चाहे सर की मंगा मम्मी देर सब बजी लिया हम लोग कैंटीन। देखो गाइस, ये अपने जीजाजी से डिमांड कर रही है। हैं ओए प्रियंका, ऊन ने बोल 17-18 तारीख है। क्या अपनी ताई के घर आने के लिए मेरे को कारण चाहिए? हाँ औकात में रह, बोलो इससे औकात में, औकात से बाहर मत जा। जहाँ से उठा के लाए थे तुझे वहीं डाल देंगे, बोलो। तो गाइस, अब बड़ी मम्मी तैयार हो चुकी हैं, वो बोल रही हैं कि कैमरा लेके आ, और मैं बोलने के लिए एकदम उत्सुक हूँ। देखिए गाइस, कितने सुंदर हैं आप देख सकते हैं, अपनी जवानी में कितनी सुंदर होंगी। अभी ये 50 साल की उम्र में इतनी सुंदर है तो मतलब 45 साल की उम्र में जितनी भी हुई होंगी बता। मेरी मम्मी को तो सब वीडियो में आपने देखा ही है, कैसा मुंह बनाई रहती है। आप देख सकते हैं, काम में बिजी रहती है, ये बिल्कुल सुअर टाइप है, हर समय काम में ही लगी रहती है, काम में ही लगी रहती है। देखो ये हमारी सरसों है, ये मेरी मम्मी है। मम्मी लाइक करें, शेयर करें, क्या दे लाइक करें, शेयर करें, उसके बाद जो होता है उसके ऊपर का वो भी करें। तो गाइस, मेरे भाई की कॉल आ गई कि भांग का नमक पीस के ला, नींबू सानना है। तो अब मैं जा रही हूँ वहाँ नींबू सानने के लिए। मैं ये देखिए
इसमें मैं नमक पीस के ले गई हूँ और एक कटोरी में है चीनी। तो अब मैं वहाँ जा रही हूँ, हम नींबू सानने वाले हैं। ठंडियों में ना नींबू खाने का मतलब जो चूप बना के खाने का मज़ा है ना, बहुत अमेजिंग सा है। तो क्या आप लोग भी खाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग अगर कोई पहाड़ से उत्तराखंड से बिलोंग करता है वो तो ज़रूर खाता होगा। अगर उत्तराखंड से बाहर से मेरी ये वीडियो कोई देख रहा है तो क्या आपके वहाँ भी ये बनता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी मैं चलती हूँ वहाँ, फिर दिखाती हूँ आपको हम कैसे बनाते हैं नींबू। पहले वैसे तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को सब बताया है कैसे खाते, पूरी रेसिपी शेयर की है। तो मिलती हूँ आप गाइस। हमने इतनी सरसों खा ली है, अब हमारी बारी चाय पीने की आ गई है। वो देखो, ये देखो थर्मस में मम्मी चाय लाई थी मिल्टन की बोतल में, गुड़ वाली चाय पी रहे हैं। अब मैं तो नहीं पीती हूँ, खैर मम्मी लोग पी रहे हैं। ये देखो गुड़ वाली चाय, पहाड़ों में गुड़ वाली चाय फेमस है। अगर आपके घर कोई भी पहाड़ी आए तो आप गुड़ वाली चाय ही पिलाना उनको। देखो ऐसे सुड़क करके पीते हैं वंदे प्रियंका। और मम्मी देखो नो रिएक्शन, बिल्कुल म्यूट है ये तो। शर्मा तो ऐसे रहा जैसे कि नई नवेली दुल्हन होगा। ओ हो तेरी होने वाली वाइफ। कैमरा बंद कर दिया मैंने, बंद कर दिया कैमरा। वो तो मैंने आदत हो गई ना ऐसे पकड़ने की फोन। अब मेरे को कोई बात नहीं, फूटता है। आज लम्हे